सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों की राजन सीरीज के इंग्लिश सब्जेक्ट के बहुविकल्पी क्वेश्चंस को। इससे पहले हमने पार्ट वन सॉल्व कर लिया था क्वेश्चन नंबर 32 तक। आज हम इस वीडियो में 33 से पढ़ेंगे और जितने भी क्वेश्चन है बहुविकल्पी सभी क्वेश्चंस को आज यहां पर हम कंप्लीट करने वाले हैं, राजन सीरीज के सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को। दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आसानी से आप सभी विषयों को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश केम एज अ रिएक्शन अगेंस्ट ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड या स्ट्रक्चरल कम सिचुएशनल अप्रोच और मेथड। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 है, द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, बोथ ए एंड बी या लेटर पैटर्न। दोस्तों जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है, स्ट्रक्चरल अप्रोच ये वर्ड पैटर्न और सेंटेंस पैटर्न दोनों पर आधारित है, तो इसीलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, एडजेक्टिव ऑफ डिफर इज डिफरेंट, डिफरेंस, डिफरेंटली या फिर नन ऑफ दिस। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिफरेंट। एडजेक्टिव ऑफ डिफर इज डिफरेंट, याद रखिएगा 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स, लिसनिंग स्पीकिंग, लिसनिंग राइटिंग, स्पीकिंग राइटिंग या फिर लिसनिंग रीडिंग। जो लिसनिंग होता है, लिसनिंग आप क्या करते हो, सुनते हो, मतलब अगर आप किसी की बात को सुन रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, उसकी भाषा को क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, उसकी कही गई बातों को, संकेतों को आप रिसीव कर रहे हो अपने पास। जो सुनना होता है वो रिसीव करने, मतलब उसका मतलब होता है रिसीव करना, किसी की बातों को आप क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो। तो लिसनिंग ऑप्शन ए में भी दिया है, ऑप्शन बी में भी दिया है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में भी दिया है। तो ऑप्शन ए बी डी तीनों में लिसनिंग दिया हुआ है, इसलिए ये ऑप्शंस तो पहले ही गलत हो गए। अब प्रोडक्टिव स्किल में बचा कौन, स्पीकिंग और राइटिंग, तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो आप याद रखिएगा जो स्पीकिंग और राइटिंग होते हैं ये प्रोडक्टिव स्किल होते हैं, और जो लिसनिंग होता है, लिसनिंग खाली सुनना, ये होता है रिसेप्टिव स्किल। आप देखिए ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसलिए आप लोगों को ध्यान से मैं समझा रही हूँ, एक बार फिर से याद रखिएगा। पढ़ना और बोलना, लिखना और बोलना, ये क्या है, लिखना और बोलना प्रोडक्टिव स्किल है, और सुनना क्या है, रिसेप्टिव स्किल है। क्यों, क्योंकि इसको आप क्या करते हो, किसी की कही गई बातों को सुनते हो। क्वेश्चन नंबर 37 है, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद सुटेबल प्रीपोजिशन, द बुक्स आर डैश द टेबल, ऑन, अपॉन, इन और फॉर। दोस्तों द बुक्स आर ऑन द टेबल होगा, टेबल पर बुक्स रखी है, तो यहां पर आप लिख दोगे ऑन, तो इस तरीके से यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, चूज अ सुटेबल प्रीपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूट दीज बनानास डैश द बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ योर क्लास। दोस्तों अगर क्लास में कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो क्लास में ढेर सारे बच्चे होते हैं, केवल एक या दो बच्चे नहीं होते हैं, तो अगर ढेर सारे लोगों में कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट होती है, जैसे कि प्रसाद बंट रहा है ढेर सारे लोगों में, तो उसे हम कहेंगे, वहां पर हम लगाएंगे एमंग। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप याद रखिएगा कि एमंग का प्रयोग हम कब करते हैं, जब ढेर सारे लोगों में चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी होती हैं। अब जैसे अगर टॉफी है, मान लीजिए टॉफी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन राम एंड श्याम, तो केवल दो लोगों में बटेगा तो बिटवीन का यूज होगा, और ढेर सारे लोगों में कोई चीज बटेगी तो एमंग का प्रयोग होगा वहां पर, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, वी हैव वॉन द मैच, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, नेगेटिव, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव या फिर ऑल ऑफ अबव। दोस्तों वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए, तो ये क्या है, पॉजिटिव न्यूज है ना, तो ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। आप देख सकते हैं डिड नॉट लगा, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर पॉजिटिव दिया है, इंट्रोगेटिव दिया है, ऑल ऑफ अबव दिया, पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता, नॉट दिया है इसमें, इसके अलावा इंट्रोगेटिव भी नहीं हो सकता क्योंकि इंट्रोगेटिव के आगे क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, राजन इज क्लेवर, राजन आर क्लेवर, राजन क्लेवर या फिर ऑल द अबव। दोस्तों राइट सेंटेंस है राजन इज क्लेवर, क्योंकि राजन क्या है, सिंगुलर है तो आर तो लगेगा नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, विच टाइप ऑफ टीएलएम कैन बी यूज्ड इन इंग्लिश टीचिंग, कलर, फूड, फ्लावर्स या फिर ऑल ऑफ अबव। ऑल द अबव राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। दोस्तों हम टीएलएम के रूप में कलर्स का प्रयोग कर सकते हैं इंग्लिश टीचिंग में, फूड्स का प्रयोग कर सकते हैं, फ्लावर्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को हमें सिखाना है, वो हम किसी प्रकार से सिखाएं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कुछ भी हो, लेकिन वो बच्चों को कॉन्सेप्ट समझा दे, मीनिंग यही होना चाहिए कि बच्चों को समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 43 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजक्शंस आर फाउंड, 1, 2, 3 और 4। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 टाइप्स, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शंस, आपको पता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, उसके पास 3 कारें हैं, सही ट्रांसलेशन है, ऑप्शंस हैं, ही हैज 3 कार्स, ही हैव 3 कार्स, ही हैज 3 कार्स या फिर ही हैव 3 कार। राइट आंसर है ही हैज 3 कार्स, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, वह स्कूल कभी नहीं जाता है का सही ट्रांसलेशन है, ही नेवर गोज टू स्कूल, ही नेवर गो टू स्कूल, ही नॉट गो टू स्कूल या फिर ऑल द अबव। दोस्तों यहाँ पर आंसर ए सही दिया है, लेकिन ये गलत है, राइट आंसर होगा ही नेवर गो टू स्कूल, क्योंकि अगर सेंटेंस नेगेटिव हो गया, इसमें नेवर आ गया, तो जो एस या ई एस होता है वो हट जाता है क्रिया का, तो यहाँ पर गो में गोज जो लगा है ये गो केवल रह जाएगा। अगर केवल सेंटेंस ये होता है वह स्कूल जाता है तो ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल कभी नहीं जाता है तो ही नेवर गो टू स्कूल, ना कि गोज टू स्कूल, तो आप याद रखिएगा कि ही नेवर गो टू स्कूल होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ये देखने में तो आपको सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जब नेगेटिव सेंटेंस हो गया उसमें नॉट या नेवर का प्रयोग हो गया, तो या यस या ईएस जो है क्रिया के साथ, वर्ब के साथ ये जो है ये हट जाता है, तो इसीलिए राइट आंसर हो गया ही नेवर गो टू स्कूल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, हाउ मेनी प्रिंसिपल क्लॉजेस फाउंड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, 2, 3, 1 और 5। दोस्तों जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है इसमें एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो 2 क्लॉज होते हैं, तो यहाँ पर पूछा है हाउ मेनी प्रिंसिपल क्लॉजेस, दोस्तों एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो प्रिंसिपल क्लॉज एक ही होता है, तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1। क्वेश्चन नंबर 47 है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड, कॉम्पिटेटिव मेथड, एनालिटिकल मेथड और साइंटिफिक मेथड। राइट आंसर है ऑप्शन ए क्लासिकल मेथड। क्वेश्चन नंबर 48 है, द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज इंग्लिश, फ्रांस, इटली और अमेरिका। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी फ्रांस, 2016 में भी पूछा गया, 18 में भी पूछा गया, 20 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द सेंटेंस, हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन डैश द ट्रेन लेफ्ट एज देन व्हेन और इफ। दोस्तों इसमें आएगा व्हेन, ठीक है, तो यहां पर हम सेंटेंस को पहले यहां पर व्हेन भरेंगे, उसके बाद हम सेंटेंस को क्लियर करेंगे। हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 50 है, फ्रेम वर्ब फ्रॉम द वर्ड पोजेशन, पोजेशन का वर्ब हमें ढूंढना है, पोजेसिव, पोजेसिवनेस, पोजेसिवली या फिर पोजेस, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी पोजेस, POSSES। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग, वन मस्ट डू डैश, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी है। आप देखिए वन मस्ट डू, एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो वन अगर आगे लगा है तो उसके बाद वोन्स आता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ऑप्शंस में है वोन्स, हीज, हर और अवर, तो यहां पर हो जाएगा वन मस्ट डू वोन्स ड्यूटी, और ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वॉज एडॉप्टेड बाई डॉक्टर वेस्ट, एच ई पालमर, प्रोफेसर सी जे डॉटसन या फिर ओ जेस पर्सन, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी एच ई पालमर।
क्वेश्चन नंबर 53 है, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग या राइटिंग। लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट होता है जब आप स्पीकिंग करते हो, बोलते हो, जब आप उसको बार बार बोलते हो तब आप लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करते हो। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्पीकिंग। क्वेश्चन नंबर 54 है, फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ रीडिंग, राइटिंग, साउंड्स और प्रोनंसिएशन। दोस्तों जो फोनेटिक्स होता है ये होता है ध्वनि का विज्ञान, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पर गलत आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 55 है, एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस इज सक्सेसफुल, सक्सीड, सक्सेसफुली और सक्सीडिंग। दोस्तों एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस इज सक्सेसफुल, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है, तो ये आप याद रखिएगा, इसमें भी ऑप्शन गलत दिया हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 है, ही सेड टू देम आई विल लीव यू नाउ, इस वाक्य का सही इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले हम सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर टोल्ड में केवल और केवल एक ही सेंटेंस आपको दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ही टोल्ड देम ऑप्शन ए में। इसके बाद आई विल लीव यू नाउ चेंज होगा, दे टोल्ड देम दैट, अब यहाँ पर दोस्तों ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ही इसके बाद विल का वुड हो जाएगा, फिर लीव और फिर देम ऑब्जेक्ट और फिर नाउ का हो जाता है इनडायरेक्ट में देन। तो इस तरीके से ही सेड टू देम आई विल लीव यू नाउ का इनडायरेक्ट स्पीच होगा, ही टोल्ड देम दैट ही वुड लीव देम देन। और ऑप्शन बी सी डी में आप देखिए तीनों में नाउ दिया हुआ है, जबकि नाउ का आप सभी को पता है कि देन हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 58 है, टीवी इज टीएलएम इंग्लिश टीचिंग, विच टाइप टीएलएम इज दिस। जो टेलीविजन है ये किस प्रकार का टीएलएम है, किस तरीके का टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, आप सभी को पता है ऑडियो है कि ऑडियो वीडियो है, बोथ है या फिर नन ऑफ दीज है। टीवी को आप देखते भी हो सुनते भी हो, तो ऑडियो और वीडियो दोनों है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ टुमारो इज द नेक्स्ट डे, दैट डे, द प्रीवियस डे और द फॉलोइंग डे। दोस्तों टुमारो का होता है द नेक्स्ट डे, टुमारो मतलब आने वाला कल होता है, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच होता है द नेक्स्ट डे, और यस्टरडे का होता है प्रीवियस डे, टुडे का होता है दैट डे, तो आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है टुमारो का द नेक्स्ट डे बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, मेथड्स अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, कम्युनिकेटिव अप्रोच या फिर ऑल ऑफ दिस। दोस्तों ये सभी इंग्लिश टीचिंग के मेथड्स हैं, अप्रोचेस हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 61 है, कॉम्प्रिहेंशन सिंपली मीन्स अंडरस्टैंडिंग रिटन पेज, एक्सप्लेनिंग रिटन पेज, ए एंड बी बोथ और नन ऑफ दीज। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंडरस्टैंडिंग रिटन पेज। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि जो लिखा हुआ पैराग्राफ है उसको आपको समझना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है, स्पेशल बेनिफिट्स अंडर PMJDY स्कीम। दोस्तों PMJDY स्कीम है प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम। ऑप्शंस हैं इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, डिपॉजिट जो आपने किया है उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस कवर RS 30,000, यानी कि 30,000 रुपए का लाइफ इंश्योरेंस भी है इसके अंतर्गत। नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, इसमें कोई बैलेंस नहीं किया, इतना बैलेंस होना चाहिए ऐसा कोई बैलेंस रिक्वायर्ड। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि जो PMJDY स्कीम है प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम है, इसके अंतर्गत जो आप जमा किए रहोगे उस पर इंटरेस्ट मिलेगा उस पैसे पर। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा 30,000 रुपए का, और ये जरूरी नहीं कि आप इतने पैसे उसमें रखो ही, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 है, सब ऑर्डिनेट क्लास आर एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास, नाउन क्लास और ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 64 है, एडवर्ब क्लासेस आर टाइम, प्लेस, पर्पस, ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 65 है, आई हैव फाउंड द बुक दैट आई हैड लॉस्ट इज कंपाउंड सेंटेंस,
सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और नन ऑफ दिस। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए दैट लगा है, और आप सभी को पता है कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उसमें एक मुख्य वाक्य होता है और एक उपवाक्य होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 66 है, ही सॉ द डेंजर एंड पॉज्ड इज कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस और मिक्स सेंटेंस। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए, कंपाउंड सेंटेंस। यहां पर एंड लगा हुआ है, इसी से आप पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, हाउ मेनी सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस आर फाउंड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, 3, 4, 1 और 2। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1। क्वेश्चन नंबर 68 है, काइंड्स ऑफ सब ऑर्डिनेट क्लॉज आर नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, ऑल द अबव। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द अबव। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 है, आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, विच टाइप ऑफ सब ऑर्डिनेट क्लॉज इज फाउंड, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और ऑल द अबव। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाउन क्लॉज। क्वेश्चन नंबर 70 है, योग सूचक ट्रांसलेशन है अल्टरनेटिव कंजक्शन, इलेटिव कंजक्शन, कम्युलेटिव कंजक्शन या फिर ऑल द अबव। दोस्तों जो योग सूचक कंजक्शन है यहाँ पर ट्रांसलेशन है, लेकिन यहाँ पर आप क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा, योग सूचक कंजक्शन है। यहाँ पर कंजक्शन के बारे में बात की गई है, कंजक्शन के प्रकारों में के बारे में बात की गई है, और पूछा गया है कौन सा कंजक्शन ऐसा है जो योग सूचक होता है, मतलब जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कम्युलेटिव कंजक्शन। इसी के अंतर्गत एज वेल आता है, बोथ एंड आता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है, इलेटिव कंजक्शन आर देयरफॉर, सो, हेंस, ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, देयरफॉर, सो, हेंस, ये सभी क्या है, इलेटिव कंजक्शन है। क्वेश्चन नंबर 72 है, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर टीचिंग इंग्लिश एज ए फॉरन और सेकेंड लैंग्वेज लिसनिंग कम्प्रीहेंशन टू मेंटेन ऑन इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच, वोकेबुलरी एंड ग्रामर और नन ऑफ दिस। दोस्तों इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर टीचिंग इंग्लिश एज ए फॉरन और सेकेंड लैंग्वेजेस टू मेंटेन ऑन इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच, तो ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जब आप कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखते हो या सेकेंड लैंग्वेज सीखते हो तो आप किस लिए सीखते हो, ताकि वो लैंग्वेज आपको अच्छे से आ जाए, उस लैंग्वेज में आप किसी से भी अच्छे से इंटरेक्ट कर सको, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को और अच्छा बना सको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है, लिंग्विस्टिक इज ए स्टडी ऑफ एनिमल लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज, बैड लैंग्वेज या फिर नन ऑफ दीज। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ह्यूमन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 74 है, विच इज रिसेप्टिव स्किल, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और नन ऑफ दीज। दोस्तों रिसेप्टिव का मतलब होता है ऐसी कौन सी स्किल है जो रिसीव करते हो, आप कोई बोलता है तो आप सुनते हो, तो क्या है ये, लिसनिंग, लिसनिंग स्किल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, आप क्या करते हो, रिसीव करते हो किसी की बातों को, फिर उस पर रिस्पॉन्स करते हो। क्वेश्चन नंबर 75 है, एडवर्ब ऑफ कवर्ड इज कवर्ड, कवर्डली, कवर्ड आइज या फिर नन ऑफ दीज। दोस्तों एडवर्ब ऑफ कवर्ड इज कवर्डली, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम ऑफ बून इज शार्प, कर्स, सिविल या फिर नन ऑफ दीज। बून का मतलब होता है वरदान या आशीर्वाद, और इसका एंटोनिम यानी कि इसका अपोजिट पूछ रहा है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा वरदान का क्या होगा, अभिशाप या श्राप, तो इसका हो जाएगा कर्स। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस तरीके से आपके डीएलएड 4 सेमेस्टर में राजन सीरीज में जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन थे सबको हमने करा दिया। इसके बाद पवन सीरीज के भी सभी अति लघु उत्तरी बहुविकल्पी को भी हम करा देंगे। दोस्तों आप लोग की हम बेहतर तैयारी अपने चैनल पर करा रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में आपको घंटी का भी निशान दिख रहा होगा उसको भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जो भी नए वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंच जाए। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको सभी विषयों के वीडियोस समय से मिल जाएंगे, सभी विषयों की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप लोग
बेहतर तैयारी भी कर पाएंगे। दोस्तों बहुत जरूरी है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक, सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहां पर आप जब जैसे ही जिस भी विषय के लिंक पर क्लिक करेंगे, जिस भी विषय के प्लेलिस्ट के लिंक पर आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे सभी उसके जितने भी वीडियोस हैं सभी आपके सामने आ जाएंगे, आप सभी आप आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ साइड में आपको ऊपर एक आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और आप सभी विषयों को अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो एक बार फिर से दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने फ्रेंड्स के कॉलेज ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर भी आपको लगे आपके फ्रेंड्स को भी इस वीडियो की जरूरत है, वहां जरूर शेयर कर दिया करिए दोस्तों, जिससे अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियो पहुंचे और अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमारे सभी वीडियोस को देख सके। तो ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।